हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्टार्ट करें हम सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर रूलर्स एंड बिल्डिंग्स ऑफ क्लास 7, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हम इसको कवर कर चुके हैं पिछले वीडियो में। सेकंड पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे तो इसमें हमने कुछ बिल्डिंग्स के आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा पढ़ा था, तो उसको हमने थोड़ा कंक्लूड नहीं किया था। कंक्लूड हम करते हैं कि एज ईच न्यू डायनेस्टी केम टू पावर, जैसे जैसे कोई नई डायनेस्टी पावर में आती थी, किंग्स वॉन्टेड टू एम्फसाइज देयर मॉरल राइट्स टू बी रूलर्स। ठीक है, तो किंग्स क्या करते थे, वो ये जताने की कोशिश करते थे आम पब्लिक को कि ये उनका नैतिक अधिकार है कि वो राजा बने। ठीक है, वो राजा बनने के लिए ही पैदा हुए हैं, ऐसा वो दुनिया को दिखाते थे, अपनी प्रजा को दिखाते थे। तो कंस्ट्रक्टिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप प्रोवाइडेड रूलर्स विद द चांस टू प्रोक्लेम देयर क्लोज रिलेशनशिप विद गॉड। तो देखिए, जैसे कि आम आदमी होता है, वो ज्यादातर गॉड से सब कोई कनेक्टेड होता है, सबका एक धर्म होता है, और जहाँ बात भगवान की आती है तो कोई डाउट नहीं करता, क्योंकि हर कोई इंसान जानता है कि सबकी अपनी एक लिमिटेशन है, अपना धर्म, अपने गॉड, इस पर कोई क्वेश्चनिंग नहीं करता। वो इसलिए भी नहीं करते क्योंकि हम सब शुरू से एक धार्मिक इंसान होते हैं। हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि भगवान है जो इस दुनिया को चला रहा है। हम सब कहीं ना कहीं अपने मन में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दुनिया में हो रही होती है कि हमारे हाथ में नहीं होती। ठीक है, जैसे मौत होती है, मृत्यु आती है, तो हम लोग सोचने पर मजबूर कभी ना कभी अपनी लाइफ में होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि एक क्या सर्कल चल रहा है, कि जिंदगी होती है फिर मौत हो जाती है। तो कुछ ना कुछ चीज़ तो है जो हम लोगों की आउट ऑफ कंट्रोल है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम लोगों को मजबूर शुरू से करती आई हैं कि हमारे ऊपर कोई ऑलमाइटी बैठा है। ठीक है, उस पर कोई क्वेश्चनिंग नहीं करता, और सबका अपना अपना लेकिन धर्म है, अपने अपने धर्म के भगवान सब मान के बैठे होते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन भगवान, अगर कोई इंसान किसी भी ज्यादा पब्लिक को इन्फ्लुएंस करना चाहता है, तो वो गॉड का नाम लेके कर सकता है। आप देखते हो ना, कितने धर्म गुरुज आते हैं हमारे आजकल, कितने धर्म गुरुज होते हैं, और चाहे वो कितने फेक क्यों ना हो, उनके इतने फॉलोअर्स होते हैं, क्योंकि वो धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहे होते हैं। पर यहाँ पर बात बेवकूफी की नहीं है कि बेवकूफ बनाया जा रहा है, बट क्या है कि रूलर्स अपनी, मतलब प्रजा को दिखाना चाहते थे कि हम रूलर्स ऐसे नहीं बने, हमारे को रूलर्स बनने का अधिकार दिया गया है भगवान के द्वारा। और वो ऐसा प्रोक्लेम कैसे कर पाते थे, क्योंकि वो भगवान के मंदिर बनवा देते थे। अब नॉर्मल पब्लिक तो इतनी ज़्यादा समझदार नहीं होती कि इस तरीके से कैसे प्रूव होता है कि वो रूलर्स बनने के लिए ही पैदा हुए हैं, लेकिन फिर भी जितनी भी उनको समझ थी, वो इस बात को समझते थे कि हाँ, भगवान का मंदिर बनवाया, यानी भगवान को ने ही इनको, क्योंकि आम पब्लिक नहीं बनवा पाती इतना कुछ। ठीक है ना, स्पेशली इम्पॉर्टेंट इन एन एज ऑफ रैपिड पॉलिटिकल चेंज, और जहाँ पर पॉलिटिकल चेंज इतने जल्दी हो रहा हो कि कोई सी भी डायनेस्टी दूसरी डायनेस्टी को ओवर रूल कर लेती थी। ठीक है, तो वो चेंज ऐसा बहुत जल्दी जल्दी होता था, तो उस दौरान पब्लिक को ये विश्वास दिलाना कि हम आपके रियल रूलर्स बनने के लायक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था। रूलर्स ऑल्सो ऑफर्ड पेट्रोनेज टू द लर्न्ड एंड पायस। ठीक है, और रूलर्स क्या करते थे, धार्मिक व्यक्तियों को, जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते थे, उनको एक तरह का संरक्षण देते थे। संरक्षण मतलब उनको बढ़ावा देते थे, उनकी जो भी क्रियाकलाप एक्टिविटीज होते थे, उन लोगों को वो प्रमोट करते थे, और ट्राई टू ट्रांसफॉर्म देयर कैपिटल्स एंड सिटीज इनटू ग्रेट कल्चरल सेंटर्स। और वो अपनी जो राज्य की राजधानियाँ होती हैं और जो बड़ी बड़ी सिटीज होती थी, उनको कल्चर के साथ जोड़कर एक कल्चरल सेंटर बना देते थे। ठीक है, पर्टिकुलर कल्चर को वो शो करते थे सिटीज, और दैट ब्रॉट फेम टू देयर रूल एंड देयर रियाम। जिससे कि अब इस तरह से वो जब उस तरह को सिटीज को एक कल्चरल सेंटर बना देते थे, तो लोगों के अंदर उनकी पब्लिसिटी बहुत ज्यादा होती थी, उनको फेम आती थी और वो फेमस हो जाते थे। इट वॉज वाइडली बिलीव दैट द रूल ऑफ द जस्ट किंग वुड बी एन एज ऑफ प्लेंटी व्हेन द हेवंस वुड नॉट विदहोल्ड रेन। ठीक है, इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि ऐसा बिलीव किया जाता था उस जमाने में कि एक न्यायपूर्ण राजा का समय तभी माना जाएगा जब लोगों के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज होंगे, प्लेंटी मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, और हेवंस वुड नॉट विदहोल्ड रेन, और जो आसमान है, यानी कि कई बार ऐसा होता था कि फसल के लिए बारिश होनी बहुत जरूरी होती है, और बहुत कई महीनों से या कई सालों से लोग, जनता वेट कर रही होती है कि बारिश हो, अकाल ना पड़े। ठीक है, तो उस तरह से वो जो एक जस्ट किंग का जब भी जमाना आएगा, तो बारिश खूब प्लेंटी मात्रा में होगी, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होंगे, आसमान जो है यानी कि आकाश, बादल जो है वो रेन को रोक कर नहीं रखेंगे, वो बारिश करेंगे प्रचुर मात्रा में। तो ये ऐसा विश्वास होता था उस जमाने के लोगों का कि जस्ट किंग का रूल हम मान लेंगे अगर ऐसा होगा तो। एट द सेम टाइम मेकिंग प्रेशियस वाटर अवेलेबल बाय कंस्ट्रक्टिंग टैंक्स एंड रिजर्वॉयर्स
वॉज हाईली प्रेज्ड, और साथ ही साथ पानी को उपलब्ध कराना लोगों को, क्योंकि पानी इतना कीमती होता है, और उसको मतलब कैसे करते थे, वो टैंक्स बनवाते थे, रिजर्वॉयर्स बनवाते थे, उसमें लोगों को पीने लायक पानी अवेलेबल करवाना, ये भी बहुत, इस कार्य की भी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश जो है वो, उसको बहुत यूनिवर्सल रिस्पेक्ट मिली क्योंकि उसने क्या कंस्ट्रक्ट करवाया था, एक बहुत लार्ज रिजर्वॉयर जस्ट आउटसाइड दिल्ली, सॉरी दिल्ली या कुन्हा, ठीक है, ये इट वॉज कॉल्ड अ हौज़े सुल्तानी और द किंग्स रिजर्वॉयर, मतलब कि अलग अलग अरेबिक भाषा में इसको बोला जा रहा है रिजर्वॉयर का नाम, उसे हौज़े सुल्तानी भी बोलते थे किंग्स रिजर्वॉयर को। ये कहाँ पर बना हुआ था, दिल्ली या कुन्हा के जस्ट आउटसाइड। कैन यू फाइंड मैप वन इन द चैप्टर थ्री, चैप्टर थ्री पे आप जाइए रिवर्स, आई कांट ओपन इट हेयर नाउ, आप जाकर देखिए उसमें क्या है, मैप वन को देखिए। रूलर्स ऑफन कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड रिजर्वॉयर्स बिग और स्मॉल, मतलब चाहे कैपेसिटी उनकी कितनी भी पर वो बनवाया करते थे फॉर यूज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, क्योंकि ऑर्डिनरी लोगों, जैसे कहीं पर भी कोई जा रहा है इंसान तो रस्ते में ऐसा होता ना कि पानी पीने की प्यास होती है, लगती है लोगों को, तो कहीं नल मिल जाए, कहीं कुछ, अब तो पानी की बॉटल अवेलेबल है, लेकिन उस जमाने में क्या होता था, पानी के लोग सोर्सेज ढूंढते थे, नदी ढूंढते थे, तालाब ढूंढते थे, तो अगर कोई राजा है अपने राज्य के अंदर रिजर्वॉयर्स टैंक्स बनवा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात मानी जाती थी। समटाइम्स दीज टैंक्स एंड रिजर्वॉयर्स वाज पार्ट ऑफ अ टेम्पल, कई बार क्या होता था टेम्पल के अंदर ही इसे बनवाया जाता था या मॉस्क के अंदर। नोट दैट स्मॉल टैंक इन द जामी मस्जिद, जैसे अभी हमने पीछे देखा था, जब हमने पिछले वीडियो में जब कंस्ट्रक्शन की हम बात कर रहे थे, तो जामी मस्जिद के बाहर भी एक स्मॉल टैंक बना हुआ था, और गुरुद्वारा यानी कि जो सिखों के वर्शिप का प्लेस होता है, आप गुरुद्वारा तो गए होंगे, वहां पर एक रिजर्वॉयर टैंक बना होता है। व्हाई आर टेम्पल्स टारगेटेड, अब जैसे कि बाहर के जो जितने भी आक्रांताज आए हैं, असॉल्ट अटैकर्स आए हैं, जितने भी, उन लोगों ने टेम्पल्स पे आके सबसे पहले अटैक क्यों किया, जस्ट बिकॉज टेम्पल्स ही उनकी राजा, जो राजा वहाँ पर रूल करते थे, उनकी एक तरीके से उनका सिंबल था कि उनकी पावर को शो करता है। तो अगर हम कोई बाहर से अटैकर आता है तो अगर वो उसके बनाए मंदिर पर ही अटैक कर देता है तो एक तरीके से वो उसको राजा को मतलब कंपटीशन दे रहा है, इसका मतलब ये है कि वो उसके रूल को नहीं मानता और उसको पावर्ड पावरफुल नहीं मानता, ठीक है, और वो उसके उस पावर को दुनिया की नज़रों में गिरा देना चाहता है। बिकॉज किंग्स बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू गॉड, क्योंकि राजा बनवाते थे कि भगवान के प्रति वो कितना समर्पित है, इसलिए टेम्पल्स बनवाते थे और अपनी पावर और वेल्थ दिखाने के लिए। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर्स किंगडम्स दे ऑफन टारगेटेड दीज बिल्डिंग्स, तो इसमें कोई सरप्राइज वाली बात है ही नहीं, क्योंकि जिन राजा ने बनाई है अगर उनकी बनाई हुई चीज़ों को तोड़ा जाएगा तो एक तरीके से आप उसको भी टारगेट कर रहे हैं, किसको, उस किंग की पावर को। इन द अर्ली 9th सेंचुरी व्हेन द पांडियन किंग श्री मारा श्री वल्लभा इन्वेडेड श्रीलंका एंड डिफीटेड किंग सेना 831 से 851 का रूल, क्या रूल था जिनका, बुद्धिस्ट मॉन्क एंड क्रॉनिकलर धम्मकीर्ति ने क्या नोट किया, क्या लिखा, ही रिमूव्ड ऑल द वैल्यूएबल्स, उसने बोला कि उसने सारे वैल्यूएबल्स को, सारी कीमती चीज़ों को हटा दिया, नष्ट कर दिया। स्टैचू ऑफ द बुद्धा मेड एंटायरली इन ऑफ गोल्ड इन द जूल प्लेस पैलेस, और जो मतलब किस किस चीज़ को नष्ट किया, जो भगवान बुद्ध की मूर्ति थी जो पूरी गोल्ड से बनी हुई थी ज्वेल पैलेस में, यानी कि एंड द गोल्डन इमेजेस ऑफ द वेरियस मोनेस्ट्रीज ऑल दीज ही सीज्ड, उसने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। द ब्लो टू द प्राइड ऑफ द सिन्हलीज रूलर हैड टू बी अवेंज्ड एंड नेक्स्ट सिन्हलीज रूलर सेना सेकेंड ऑर्डर्ड हिज जनरल टू इन्वेड मदुरई, तो जब एक तरीके से सिन्हलीज रूलर के लिए एक बहुत बड़ा उनके गौरव को नष्ट करने वाली चीज़ थी, और अब नेक्स्ट सिन्हलीज रूलर सेना जो टू थे उनके लिए एक रीज़न था इन्वेड करने का यानी आक्रमण करने का मदुरई पर, ये कैपिटल थी पांड्यास की। बुद्धिस्ट क्रॉनिकलर यानी कि जो लिखते हैं यात्री लिखते हैं अपना क्रॉनिकल में, एंड दैट द एक्सपीडिशन मेड अ स्पेशल एफर्ट टू फाइंड रिस्टोर गोल्ड स्टैचू ऑफ द बुद्धा, उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि एक तरह का अभियान चलाया गया, एक एफर्ट किया गया कि दोबारा से वो बुद्ध की जो मूर्ति है जो उन्होंने चुरा ली है वो ढूंढी जाए, कहीं ना कहीं मिल जाए। सिमिलरली इन द अर्ली 11th सेंचुरी व्हेन द चोला किंग राजेंद्र वन बिल्ट शिवा टेम्पल इन हिज कैपिटल, ही फिल्ड इट विद द प्राइज स्टैचू सीज्ड विद द डिफीटेड रूलर्स, तो इसी तरीके से जब चोला किंग राजेंद्र वन ने एक शिव टेम्पल बनवाया था अपनी कैपिटल में, उसने जितने भी स्टैचूज जो चुरा के लेके आया था दूसरे कंट्री दूसरे राज्यों से डिफीटेड रूलर से, वो सब उसने वहाँ रखे हुए थे। एंड इनकम्प्लीट लिस्ट इंक्लूडेड
और उस लिस्ट में क्या क्या शामिल है, सन पेडेस्टल फ्रॉम द चालुक्यास, गणेशा स्टैचू, सेवरल स्टैचूज ऑफ दुर्गा, नंदी स्टैचू फ्रॉम द ईस्टर्न चालुक्यास, एन इमेज ऑफ भैरवा जो शिव शिव के एक रूप माने जाते हैं, और भैरवी फ्रॉम द कलिंगाज ऑफ उड़ीसा, एंड काली स्टैचू फ्रॉम द पैलेस ऑफ बंगाल। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, आप अगर अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड करते हैं इनको, अगर आप अपने आंसर में सिर्फ ये लिखते हैं कि ये सब चीज़ें चुराई हुई चीज़ें रखी हुई थी, तो आपका आंसर हो जाता है एवरेज। लेकिन अगर आप इंक्लूड करते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें थी, अगर आप इसको भी याद कर लेते हैं, एनसीईआरटी में कोई भी लाइन, एक भी लाइन इरेलीवेंट और बेवजह नहीं डाली गई होती है, तो उसमें सारा मटेरियल होता है आपके आंसर को रिच बनाने का। जो एवरेज स्टूडेंट होगा वो क्वेश्चन के आंसर को छोटे से छोटा करने की कोशिश करेगा। हम ऐसे सोचते हैं ना यार छोटा कर दे, हम एक दूसरे अपने फ्रेंड से बोलते हैं छोटा आंसर बता दे, थोड़ा इतना बड़ा नहीं लिखना, इतना बड़ा याद नहीं होता। लेकिन अगर आप अपने शुरू से प्रैक्टिस करते हैं कि आप एग्जाम्पल्स इंक्लूड करें, लाइक इसमें से अगर आपको सारे नहीं बोलने, आपके क्वेश्चन की डिमांड इतनी नहीं है कि आप इतना पेज भर सकें या इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डालें, तो इसमें से आप कुछ तीन चार तो इंक्लूड करने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि आप एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ कहीं से कॉपी नहीं किया गया है, या इसको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, और आपकी खुद की भी इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी। अगर आप किसी से बात करते हो इस चीज़ के बारे में, तो एटलीस्ट आप बता तो पाओगे कि हाँ ऐसा आप क्या आपके पास प्रूफ है, क्या था। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन अपने आंसर में इंक्लूड करने की छोटी क्लास से कोशिश करें, जो कि आपकी आगे की बड़ी क्लासेज में, हायर क्लासेज में जब आप बोर्ड्स के लिए बैठेंगे, तो आपके आंसर इतने रिच हो जाएंगे। और आंसर राइटिंग का इससे अच्छा तरीका कोई नहीं है कि पहले तो आप एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिखें। फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिखें, पॉइंट्स बनाकर लिखें, अंडरलाइन करके लिखें, और साथ में ये जो एग्जांपल्स इंक्लूड कर रहे हैं आप, तो ये बहुत अच्छा बना रहे हैं। और साथ में डायग्राम बना सकते हैं, जैसे इन केस आप यू आर आस्क्ड अबाउट सम इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन स्टाइल, तो आप इस तरह का अगर बना देते हैं, विच इज़ नॉट वेरी टफ टू मेक, आप बना देते हैं, और कुछ मतलब इट शुड नॉट बी टाइम कंज्यूमिंग, आपका टाइम ज़्यादा ना लगे, टाइम आपके पास बचता है, तो ऐसे बना देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलने की पूरी पूरी गारंटी है, संभावना भी नहीं है। ठीक है, इसमें है सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, वो किसके समकक्ष था, यानी किसके ज़माने का था, राजेंद्र वन के ज़माने का था। उसके कैंपेन में जब उसने इंडिया में आया, उसने अटैक किया टेम्पल्स को और डिफीटेड किंग्स एंड लूटेड देयर वेल्थ एंड आइडल्स, सारी मूर्तियाँ वेल्थ सब चुरा ली उसने। सुल्तान महमूद वॉज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर एट दैट टाइम। सुल्तान महमूद उस टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो गजनी से आया था ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन उसने जब ये टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया, स्पेशली सोमनाथ का टेम्पल, उसने उसको एक क्रेडिट मिला, ही ट्राइड टू विन क्रेडिट एज अ ग्रेट हीरो ऑफ इस्लाम, और वो इस्लाम का एक बहुत बड़ा इस हीरो की तरह पोर्ट्रे किया जाने लगा। एंड इन द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द मिडिल एजेस मोस्ट रूलर्स डिस्प्लेड देयर पॉलिटिकल माइट, सब अपनी पॉलिटिकल ताकत, राजनीतिक ताकत कैसे शो करते थे, एंड मिलिट्री सक्सेसेस बाय अटैकिंग एंड लूटिंग द प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ डिफीटेड रूलर्स। तो जितने भी हारे हुए राजा हैं, अगर आपने वहाँ के पूजा करने के स्थान को रूल मतलब लूटा है और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें लूटी हुई हैं, तो आप बहुत अच्छे वो माने जाएंगे, रूलर्स माने जाएंगे। ठीक है, मतलब आप बहुत, आपकी बहुत वाहवाही होगी। अब हमें ये थोड़ा सा जो ये कंस्ट्रक्शन स्टाइल है इसको समझ लेते हैं। ये है मुगल चार बाग्स। ठीक है, चार बाग बोलते हैं ना नॉर्मली, इसमें चार बाग, ये जो हुमायूं टोम में बना हुआ है, ये 1562 से 1571 के बीच का है। और देखिए इसमें किस तरह का कंस्ट्रक्शन स्टाइल है, बहुत इजी है। अगर आप कहीं इंफॉर्मेशन अगर ज़रूरी हो तो ही भरें, बनाएं और तभी सोचें। टेरेस्ड चार बाग एट शालीमार गार्डन्स कश्मीर, ये कश्मीर का है। ठीक है, वहाँ का डिज़ाइन इस तरह का है। तीसरा है द चार बाग अडेप्टेड एज अ रिवर फ्रंट गार्डन एट लाल महल वादी। ठीक है, तो चार बाग हैं सब, और सब अलग अलग जगह के बने हुए हैं, और सब में ही अलग अलग कंस्ट्रक्शन स्टाइल आपको दिख रहा है। कंस्ट्रक्शन स्टाइल नहीं है, मतलब बस थोड़ा डिज़ाइन अलग है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे दूसरे वीडियो में क्या गार्डन्स टॉम्स एंड फोर्ट्स, क्योंकि ऑल टुगेदर पूरी तरीके से दूसरा टॉपिक है टेम्पल्स से, तो हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है आपको, तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें, और मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू सो मच।